चैन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल छोरा 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। तो दोस्तों, फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लेके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं U1 कंपनी का स्मार्ट वॉच दोस्तों। और येलो कलर का है ये। आप तो जानते हैं U1 का कलर कॉम्बिनेशन येलो ही है। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं U1 कंपनी के स्मार्ट वॉच की, जिसका मॉडल नंबर दोस्तों SW61 है। तो आज इसके आप पूरा विश्लेषण करेंगे, चीर फाड़ पोस्टमार्टम जो भी आप कहें सब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का U1 कंपनी का स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो दोस्तों। ये रहा हमारी रजवाड़ी छुरी, जिसके बिना हम अनबॉक्सिंग के लिए अधूरे हैं। इसके बिना तो काम ही नहीं होता, ऐसा भी कहते चले। मजेदार चीज़ें दोस्तों, सारी चीज़ें काटती है, सब्जी, इंसान और सारी चीजें। इसको अलग दिल पे मत लीजिएगा बात। मस्त जोक मारा रे। तो चलो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा प्रोडक्ट निकलेगा। हालांकि भी दोस्तों, U1 बहुत ही नामचीन कंपनी है, तो वो भी जो भी प्रोडक्ट देगी बहुत ही बेस्ट देती है। तो चलो डब्बा खोल करते हैं दोस्तों। आज मैं बहुत प्रेम से काटूंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जोर दे दिया तो हमारी ये बॉक्स भी फट सकता है। मजबूत तो नहीं है बॉक्स। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले इसकी हाईलाइट की, जो कंपनी ने हाईलाइट की है। तो छोटे से अक्षरों में इसका मॉडल नंबर भी लिखा गया है कुछ इस तरीके से, SW61। और इसने हाईलाइट किए दोस्तों, फुल टच प्लस कॉलिंग सपोर्टेड प्लस फुल मेटल बॉडी। ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि मेटल बॉडी हमें मिल रही है, और 24 आवर्स का बैटरी बैकअप दे रहा है। हालांकि दोस्तों, नॉर्मल कोई भी स्मार्ट वॉच हो, अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट ना रखें तो कभी भी 2 या 3 या 1 वीक तक का भी आपको बैटरी बैकअप दे सकता है। हम मालूम है तेरे बाप को। अब देखते हैं दोस्तों इसका क्या रिस्पॉन्स है, कैसा है। साथ ही इसमें दोस्तों लिखा है फुल टच डिजाइन विद कॉलिंग फीचर्स, अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी की कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन और सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है पीछे बॉक्स के। चलो दोस्तों, इस साइड देखते हैं। कंपनी ने बहुत सारी कुछ चीज़ें चिप छापी हैं, जिसमें स्पॉट, स्टॉप, किलोमीटर, फटाफट जाने दिए दोस्तों। ये सब चीज़ तो सभी डिब्बों में लिखी रहती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो कुछ यूनिक तरीके से इसकी पैकिंग है दोस्तों। एक नेकलेस की तरह इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं, नेकलेस की तरह खुलती है बॉक्स। और ये इसका रैपर, कटर पेपर कह सकते हैं इसको। ये कुछ प्रेम पत्र और साथ ही U1 कंपनी का लोगो, थैंक यू विजिटिंग कार्ड। ये सब तो दोस्तों कोई पढ़ता नहीं है, आज भी नहीं पढ़ता, पहले भी कभी नहीं पढ़ता था, और फ्यूचर में भी कोई पता नहीं ये लोग इस कागज में पैसे क्यों वेस्ट करते हैं। और ये इसका चार्जिंग केबल काफ़ी लंबा दिया गया, ये अच्छी बात है। बाकी दूसरे जो स्मार्ट वॉच होते हैं उसमें केबल काफ़ी छोटे दिए जाते हैं, आई थिंक 1 फुट या 6 सेंटीमीटर ऐसा समथिंग को दिया जाता है, बट इसकी काफ़ी लंबी है साइज, ये अच्छी बात है दोस्तों। और दोस्तों, कंपनी से कहकर मैंने घड़ी भी रखवा दी है आपके लिए, ये देखिए। मजाक कर रहा था। और एक्स्ट्रा बेल्ट भी दिया जाता है आपको, एक पैर में एक है दोस्तों ब्लू कलर का, कुछ इस तरीके का दिखता है। और दोस्तों एक ब्लैक कलर का जो रेगुलर है, सारे में ब्लैक कलर आती है, साथ ही एक एक्स्ट्रा बेल्ट भी दिया गया है। बात करें इस बेल्ट की बिल्ड क्वालिटी की, तो नॉर्मल है, रबड़ ग्रिपिंग है, अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी है ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो आते हैं अच्छे ही आते हैं कंपनी की ओर से। बाकी तो हाँ, वाकई दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नॉर्मली आपसे जो स्ट्रेस होगा वो झेल पाएगा ये। दूसरी भी अच्छी है, मेरी फेवरेट ये है दोस्तों।
और ये वो स्मार्ट वॉच जिसके लिए हमने ये पूरा डब्बा खोला किया है। स्मार्ट वॉच से दोस्तों ज़्यादा मेरे को ये बॉक्स पसंद आया, मज़ा आ गया। तो इसके ऊपर कुछ लिखे हैं इंस्ट्रक्शन जो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ बारी बारी से। नहीं दोस्तों इसका मॉडल नंबर 61 है, फिर से बता देता हूँ SW61 और 4.0 का वर्जन है दोस्तों ये। और वाटर रेजिस्टेंस, कॉलिंग सपोर्ट, फुल मेटल बॉडी, सेक टैग फोटो, फुल टच। हालांकि दूसरी बात की दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले फुल डिस्प्ले नहीं है, हाफ डिस्प्ले। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। हाफ डिस्प्ले है, पीछे का रैपर हटाते हैं और देखते हैं क्या है कैसा है। दोस्तों ये 44mm का है, इसकी डिस्प्ले 44mm की है और साथ ही इसके पीछे चार्जिंग का कनेक्टर दिया गया है, देख सकते हैं। और पीछे लाइट कैमरा वगैरह वगैरह जो कभी कोई यूज़ तो करता नहीं है, खाली बच्चों को खुश करने वाली चीज़ें हैं। और दोस्तों ये इसकी फंक्शंस, पहले मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है पहले। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हमें ऊपरी ओर से क्या क्या चीज़ें देता है। पहला ये चार्जिंग का पॉट जो मैग्नेटिक से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। सीधा ऐसे यहाँ से छोड़ दोगे तो भी चिपक जाएगा, स्ट्रॉन्ग है बहुत मैग्नेट इसका। साथ ही दोस्तों डुअल स्पीकर देता है, इस साइड डुअल स्पीकर्स हैं। ये बेल्ट केस जिसमें आप बेल्ट लगा सकते हो, फिट कर सकते हो, पेल सकते हो, जो भी करना कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इसका ये माइक है छोटा सा बोले, और ये इसका स्क्रॉल बटन जिसके ऑपरेट करके आप ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत ही फ्रीली दिया गया है, हार्ड नहीं है, बहुत ही स्मूथली रन करता है। और साथ ही इसका पावर बटन ऑन ऑफ का। तो आइए अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं। लुक वाइज तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, बहुत ही प्यारी चीज़ है। आप ये अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसके ऊपर एक वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शन दी गई हैं। बात करें इसकी शटर की तो मेनू बार की, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं। म्यूज़िक बारकोड स्कैनर, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको ये विंडो देता है मेनू बार की तरफ। और ये इसका फ़ोन डायलर, फ़ोन बुक, अच्छी चीज़ें हैं, शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या और है। तो स्टेप है, हेल्थ है, रेटिंग है, फ़ोन बुक है, और रनिंग, जंपिंग, बॉल फलाना ढिमक्का, और भी दोस्तों। हालांकि दोस्तों मैं ज़्यादा स्मार्ट वॉच तो यूज़ नहीं करता। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो दोस्तों बात रही इसकी मेनू बार की, किस अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारी डिटेल से आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन सी मेनू कौन सा काम करता है, और सारी डिटेल बताएंगे कैसे ये म्यूज़िक ऑपरेट करता है, सारी इसकी बातें बताएंगे। और तो दोस्तों बात करते हैं अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों ये फुली मेटल है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये मेटल की चीज़ है। जो नॉर्मली आपका छोटा बहुत स्क्रैच होगा ये, इससे उसको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी मार्केट प्राइस की। तो दोस्तों अब इसको रखते हैं साइड में, बात करते हैं इसकी मार्केट प्राइस की और कौन सी कंपनी की है, मेड इन बाय कहाँ की है, क्या कैसा है, सब देखते हैं। दोस्तों ये रहे कुछ बॉक्स के पीछे लिखी हुई डिटेल जो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। पहले कुछ इस तरह की डिटेल लिखी हुई है। और दोस्तों बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों ये इसकी क्वालिटी वन यू है। साथ ही दोस्तों कंट्री ऑफ ऑर्गेनाइजर मेड इन चाइना,
फिर से चाइना, फुल्ली अक्षरों में चाइना। दोस्तों हमें भी यू एंड आई कंपनी की तरह ही आत्मनिर्भर बनना है, इंडिया की शान, इंडिया की ब्रांड, उन्हीं की तरह हमें भी काम करना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम भी आगे आएंगे, नहीं तो चाइना के भरोसे कब तक रहेंगे। और दोस्तों बात करें इसकी MRP भी, तो इसमें 5,999 भी लिखा है, यानी कि 6,000 कम्प्लीट। बट दोस्तों ये मार्केट में नॉर्मली आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन इसकी प्राइस लगभग 4,000 के आसपास कुछ है, और फिक्स नहीं है, कम भी हो जाती है, और अभी तो हालांकि बहुत कम हो चुकी है। और ऑफलाइन मार्केट में आपको किसी भी स्टोर पे, ये नॉर्मल स्टोर पे 3,000 से 3,050 या उसके आसपास की, ओवरऑल कहीं भी 50-100 रुपये का ही फ़र्क होता है, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगी। और तो दोस्तों आज हम बार बार दोस्तों ये चाइना मेरी आंखों के सामने आ जा रहा है, इसको साइड में रखो दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसके टोटली डिटेल आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी मेनू आती है, कौन कौन से फंक्शंस आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल के साथ एक और वीडियो बना देंगे जिससे आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाए और आप इसको लेने के बाद आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।